सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यही नहीं, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक 27 मार्च के बाद से तापमान में फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में लू चलने के अभी कोई संभावना नहीं है। इस बीच 26 और 27 मार्च को 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं बारिश होने का भी कोई अनुमान नहीं है। इस दौरान मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 21.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुरुवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 29 से 75% रहा। वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, मौसम साफ रहेगा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और गुरुग्राम में भी मौसम आज साफ रह सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है और 254 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा का AQI 244 है, जबकि गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में AQI रहा है और 211 रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।